हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम बात करेंगे अक्षय कुमार की 10 आने वाली फिल्मों के बारे में। अक्षय कुमार की पहली मूवी है सूर्यवंशी, जो कि लॉकडाउन की वजह से रिलीज नहीं हो पाई, जिसमें अक्षय कुमार के साथ साथ कैटरीना कैफ, अजय देवगन और रणवीर सिंह नजर आएंगे, जिसे डायरेक्ट करा है रोहित सेट्टी ने, जो कि एक्शन मूवी है पूरी, जो कि तीनों पुलिस के रोल में नजर आएंगे। बच्चन पांडे, जिसमें अक्षय कुमार के साथ साथ कीर्ति सेनन, बॉबी देओल, जैकलीन फर्नांडिस, पंकज त्रिपाठी, अरशद वारसी और रितेश देशमुख नजर आएंगे, जिसे डायरेक्ट करा है फरहाद समजी ने। अतरंगी रे, जो कि एक रोमांस और कॉमेडी मूवी है, जिसमें अक्षय कुमार के साथ साथ सारा अली खान, धनुष और निर्मत कौर नजर आएंगी, जिसे डायरेक्ट करा है आनंद एल राय ने, जो कि बहुत अच्छी अच्छी मूवी डायरेक्ट कर चुके हैं, तनुवेट्स मनु रिटर्न्स, बेल बॉटम, जो कि अक्षय कुमार की एक एक्शन और थ्रिल मूवी है, जिसमें वानी कपूर, उमा कुरैशी, लारा दत्ता उसके साथ नजर आएंगे, जिसे डायरेक्ट करा है रंजीत तिवारी ने। पृथ्वीराज एक ड्रामा और एक्शन मूवी है, जिसमें अक्षय कुमार के साथ साथ संजय दत्त, मानुषी चिल्लर, सोनू सूद नजर आएंगे, जो कि मानुषी चिल्लर की डेब्यू मूवी है, जो कि 2017 में मिस वर्ल्ड रह चुकी है, जिसे डायरेक्ट करेंगे चंद्र प्रकाश द्विवेदी। होलीडे 2, जिसमें अक्षय कुमार के साथ साथ नेहा शर्मा नजर आएंगी, कहा जाता है कि ऋतिक रोशन भी होंगे उस मूवी में, जो कि एक एक्शन मूवी है, जिसमें अक्षय कुमार फिर एक सीक्रेट ऑफिसर की तरह वर्क करेंगे, जिसे डायरेक्ट करेंगे विपुल शाह। रक्षाबंधन, जो कि एक फैमिली ड्रामा मूवी है, जिसमें अक्षय कुमार के साथ जो भी नजर आएंगे उस कास्ट का भी क्लियर नहीं किया गया है, जिसे डायरेक्ट करेंगे आनंद एल राय, जो कि अतरंगी रे डायरेक्ट करने वाले हैं। रौदी राठौर 2, जिसमें अक्षय कुमार के साथ साथ काजल अग्रवाल नजर आएंगी, जो कि एक एक्शन मूवी है, जिसमें डायरेक्टर है प्रभु देवासर। हेरा फेरी 3, जो कि एक कॉमेडी मूवी है, जो कि हेरा फेरी सीरीज से बन रही है, हेरा फेरी 2, हेरा फेरी 3, जिसमें अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, प्रेस रावल तो रहेंगे, साथ ही जॉन अब्राहम, अभिषेक बच्चन भी नजर आएंगे, जिसे डायरेक्ट कर रहे हैं अहमद खान और इंद्र कुमार, जिन्होंने अच्छी खासी मूवी ग्रैंड मस्ती, ग्रेट मास्टर 2, ग्रेट ग्रैंड मस्ती दी है, वही डायरेक्ट करने वाले हैं। राम सेतु एक ड्रामा मूवी है, जिसमें अक्षय कुमार नजर आएंगे, उसके साथ जो और कास्ट है लीड उसका अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है, जिसे डायरेक्ट करेंगे अभिषेक शर्मा, जिन्होंने परमाणु मूवी डायरेक्ट कर चुकी है पहले भी। और अक्षय कुमार की लास्ट मूवी है क्रैक, जो कि एक ड्रामा थ्रिल मूवी है, जिसे डायरेक्ट करेंगे नीरज पांडव, अक्षय कुमार के साथ जो भी लीड रोल में रहेंगे उसे अभी कास्ट नहीं किया गया है। तो ऐसे ही बॉलीवुड के नए नए अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।